लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद जहां राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का औपचारिक ऐलान कर चुके हैं, वहीं अब लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेने के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का इस्तीफा देने का दौर लगातार जारी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के काले दिन साबित हो रहे हैं। कई बड़े राज्यों में मिली हार कांग्रेस के तमाम नेताओं को सुई की तरह चुभ रही है। ये हार कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी हार रही, इसका अंदाजा राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से लगाया जा सकता है। जहां एक ओर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता राहुल को मनाते रहे, अब वही वरिष्ठ नेता हार की जिम्मेदारी लेने के बाद अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं कांग्रेस के किन बड़े नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दिल्ली कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया, हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा चौहान, तेलंगाना कांग्रेस उपाध्यक्ष पूनम प्रभाकर, मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता विवेक तनखा, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, कांग्रेस अध्यक्ष के पद से सीएम कमलनाथ, एमपी कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा। क्या आप जानते हैं पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया? हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे इसी बात का दुख है कि मेरे इस्तीफे के बाद भी किसी मुख्यमंत्री, महासचिव या प्रदेश अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी में इस्तीफा देने की झड़ी लग गई। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी के महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देंगी। स्पेशल डेस्क से विपुल माहेश्वरी की रिपोर्ट।